नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी पीठ। तेजो पर जोर से चिल्लाया अमरीक, इतना तेज अमरीक चिल्लाया कि फतेह बेहद हैरान रह गया। वेल, यहाँ पर जो जैस्मिन होती है वो अपनी घड़ियाली आंसू दिखाती है, बहुत रोती है और कहती है कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे चेंज करने नहीं देते। ये लोग मेरा जासूसी करते रहते हैं, इधर उधर जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे नजर आते हैं और फिर अपनी नई नई कहानियाँ सुनाती रहती है, जिसे देख कर अमरीक पिघल जाता है और घर के बाकी लोग भी थोड़े थोड़े पिघलते हैं, यानी कि फतेह की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा पिघलती नजर आती है। तो वहीं पर जो तेजो होती है वो कहती है कि ये सब कुछ नाटक कर रही है अमरीक, तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद बहुत ही तेज अमरीक चिल्लाता है, कहता है कि बस कीजिए तेजो जी, और फिर हाथ जोड़ता है। और यहाँ पर इसके बाद वो कहता है कि तेजो जी बस कीजिए, ये मेरे घर का मैटर है, और यहाँ पर आप क्या कर रही हैं, आपको यहाँ पर क्यों होना है, आप यहाँ पर क्यों हैं, मुझे तो बस यही नहीं समझ आ रहा है। ये सुनकर जो तेजो होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है। तो वहीं पर ये देखकर फतेह भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि फतेह भी देख रहा होता है कि तेजो जो है वो हमेशा ही कोशिश कर रही है चीज़ों को ठीक करने की। लेकिन इधर जैस्मिन भी अपना पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी करती दिख रही है। वेल, जहाँ पर एक तरफ तेजो और फतेह को सारी चीज़ें पता है कि वो बार बार गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, तेजो फतेह बार बार उस चीज़ को बचा रहे हैं, तो वहीं पर अमरीक को ऐसा लगता है कि सचमुच जैस्मिन बदलने वाली है। और देख लो, उसी की वजह से सिमरन और बूजो की शादी भी हुई है, और ये सारी चीज़ें अब जो है वो कहीं ना कहीं से फतेह की फैमिली को भी अब लग रहा है, यानी कि फतेह की जो मम्मी है उन्हें सही लग रहा है कि अब जो कुछ भी जैस्मिन कर रही है उसे देखकर वो अब खुश हो रही हैं। तो ऐसे में अब जो जैस्मिन है अपना पलड़ा भारी करती नज़र आ रही है विर्क फैमिली में, और वो कह रही है कि अब तो मेरे हस्बैंड जो है वो अमरीक है, और दूसरा अब मैं विर्क खानदान की बहू हूँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। और अब इस पर सब लोग यकीन भी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अमरीक भी। तभी तो देख लीजिए अमरीक बहुत ही तेज़ तेजों पर चिल्लाता नज़र आया, और ये देख कर खून के घूंट पी कर रह गया फतेह। तो भाई, अब आने वाला एपिसोड बहुत ही शानदार नज़र आने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही।